हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पहले थर्ड यूनिट से, विच इज इंटरफेरेंस। यू ऑल नो अबाउट द बेसिक फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन क्लास 12th। सो आवर चैप्टर इज अबाउट इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को डिवाइड करके वेव्स के इंटरफेरेंस कैसे होता है, ठीक है। पहले तो आपको बेसिक फिनोमिना पता होना चाहिए इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल इन मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव्स, यू ऑल नो। विद अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म। अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ सिंगल है, एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या होता है, इंटरफेरेंस इज सम काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है, मतलब कुछ डिस्टरबेंस होना। तो डिस्टरबेंस कब होगा, एक सिंगल चीज से तो हो नहीं सकता, एक आदमी क्या लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता ना। लड़ाई के लिए भी या डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए भी दो चीजों का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, जब आपके पास दो सोर्स ऑफ लाइट होंगे और उनमें से वो जो लाइट वेव्स एमिट करेंगे वो आगे जाके कैसे इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे से, वो क्या है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑब्टेन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। मेनली इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। कोहरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये बताएंगे आपको बाद में। अब ये पता है आपको, अगर इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट बैंड्स बनते हैं और डार्क बैंड्स बनते हैं। ब्राइट बैंड कब बनेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास दो वेव्स हैं, उन दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ एक दूसरे पे फॉल होते हैं और वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं तो वहां पे जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, और जहां पे ट्रफ और क्रस्ट एक दूसरे पे फॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी इंटेंसिटी बिल्कुल मिनिमम होगी, ठीक है। तो जहां पे क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, जहां पे इंटेंसिटी जीरो रहेगी या बिल्कुल ही कम रहेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब ये एक बात है, इट मे बी नोटेड दैट देर इज नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एनीवेयर। एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब एनर्जी कहीं भी खपत नहीं होती एनर्जी की। अगर आपको, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव, अगर आपको डिस्ट्रक्टिव में जिन पॉइंट्स पे आपको एनर्जी नहीं दिख रही वो अल्टरनेटिवली पॉइंट्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दिखेगी आपको, ठीक है। एनर्जी इज मियरली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट लाइट एनर्जी मिसिंग एट वन पॉइंट अपीयर्स एट अनदर पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे आपको लाइट एनर्जी दिखाई नहीं दे रही तो उतनी ही लाइट एनर्जी आपको किसी दूसरे ब्राइट पॉइंट पे दिखाई देगी, ठीक है। टाइप्स क्या हैं, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अगर आप वेव फ्रंट को डिवाइड कर दो तो आपका इंटरफेरेंस कैसे हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, द वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, आइदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन। दीज टू, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट जो आपका कोई भी सोर्स है उसका जो लोकस होता है लाइट पॉइंट्स का, उनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। जो पाथ होता है लाइट पार्टिकल्स का, आपका वेव पार्टिकल्स का, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, कोई बल्ब है आपके पास, वो कैसा वेव फ्रंट रिलीज करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यू विल बी ऑब्टेन स्फेरिकल वेव फ्रंट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, ठीक है। और अगर आपके पास कोई लाइन सोर्स है, मान लीजिए कोई लंबे वाली ट्यूब है घर में, सब यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका वेव फ्रंट, वो कैसा वेव फ्रंट रिलीज करेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखिए, अब इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, फ्रेजनल बाइप्रिज्म, फ्रेजनल डबल मिरर, लॉयड्स मिरर, बिलेट्स स्प्लिट्स लेंस। हम अपने इस चैप्टर में और इस यूनिट में हम सिर्फ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप जो आपके पास लाइट बीम है उनके एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दो पार्ट्स में बाय पार्शियल
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो जो दो वेव्स का इंटरफेरेंस होगा वो इस कैटेगरी के अंडर आता है, ठीक है। द डिवाइडेड बीम सो ऑब्टेन इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, पैरेलल एंड वेज शेप फिल्म, ये आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही कॉमन है, मैं फिर भी बता देती हूँ, नहीं तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा देख लीजिए, आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है ऐसे, ठीक है, वो किन्हीं फिर आगे जाके दो स्लिट में से पास होगी, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी लाइट रेज जाएंगी अगर वो किसी स्क्रीन पे आके रीच हो रही हैं, तो आपके वो इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ और ट्रफ क्रेस्ट जाके मीट करेंगे, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनेंगे कंस्ट्रक्टिव के और डिस्ट्रक्टिव के, ठीक है, ये वही शो कर रखा है। अब जैसे इसमें आपकी क्या क्या शो कर रखा है, द पॉइंट्स आर मार्क्ड एज डॉट आर ऑब्टेन एज ए सी ई ऑन द स्क्रीन, ए सी ई पॉइंट हैं, ए सी और ई, ये पॉइंट कौन से हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, क्यों, क्योंकि इन पे क्या है, ट्रफ ट्रफ है और क्रस्ट क्रस्ट है, और जो दूसरे पॉइंट हैं उनमें क्या है, जैसे कि इसमें दिखाया आपको, एट पॉइंट्स वेयर द क्रस्ट ऑफ वन फॉल ओवर ट्रफ ऑफ अदर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, पता है आपको लाइट इंटेंसिटी इज ऑल्सो मिनिमम, दीज पॉइंट्स आर मार्क्ड एज क्रॉस, जो आपको क्रॉस वाले मार्क्स दिखाए गए हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट हैं आपके, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्टेन्ड अल्टरनेटिवली एंड आर इक्वली स्पेस, द बैंड्स ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड इंटरफेरेंस बैंड, यू ऑल नो। नेक्स्ट इज कोहरेंट सोर्सेज, कोहरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, अब आपको कोई ये जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न फिनोमिना चाहिए, तो आपको जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या होना चाहिए, वो कोहरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहरेंट का मतलब क्या है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता है, एक ही पेरेंट सोर्स से आपके अगर दो सोर्स निकलते हैं तो वो कोहरेंट सोर्स होते हैं, और कोहरेंट सोर्स में क्या रिलेशन होता है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कोहरेंट सोर्स है, अगर उन दोनों सोर्सेज से निकलने वाली लाइट रेज के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो है या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो वो क्या कहलाएंगे, कोहरेंट सोर्सेज कहलाएंगे, ठीक है। कोहरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करने के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लॉयड सिंगल मिरर है, फ्रेजनल डबल मिरर है, ठीक है, फ्रेजनल बाइप्रिज्म है, बिलेट स्प्लिट लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर गेटिंग गुड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको एक सस्टेन और गुड इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, और जो आपकी फ्रिंजेस बनती हैं ब्राइट्स एंड डार्क वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। देखिए देखिए, फर्स्ट इज टू सोर्सेज मस्ट बी कोहरेंट, ये बता दिया। कोहरेंट का मतलब क्या है, उन दोनों सोर्सेज से निकलने वाली जो रेज है उनके बीच में सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और फेज क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। सेकंड इज द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल, एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। द टू सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो, जो आपके सोर्सेज हैं वो बहुत ही नैरो होने चाहिए। नैरो का मतलब क्या है, अगर आपके पास वो जो दो सोर्स हैं अगर वो ब्रॉड हो गए, वो ज्यादा चौड़े हो गए, तो क्या हो जाएगा, हरेक एक ब्रॉड सोर्स क्या हो जाएगा, बहुत सारे नैरो सोर्सेज से बना होता है, ठीक है। ए ब्रॉड सोर्स इज इक्विवेलेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेज, और जितने भी नैरो सोर्स होंगे उनका अपना अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, तो क्या हो जाएगा, जो अगर आपके पास ब्रॉड सोर्स हैं तो उनमें से बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, एक आपको जर्नल इल्यूजन दिखेगा, ठीक है। ईच पेयर ऑफ टू सोर्स विल प्रोड्यूस इट्स ओन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द ओवरलैपिंग ऑफ नंबर ऑफ सच पैटर्न काजेस जर्नल इल्यूमिनेशन एंड इंटरफेरेंस बैंड्स विल डिसअपीयर, आप ब्राइट और डार्क बैंड्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज द टू सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों सोर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होने चाहिए, ठीक है। ऐसे में क्या रहेगा, अलग जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आप बिल्कुल सेपरेटली देख पाओगे,
नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रोंग। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट स्ट्रोंग है तो उसकी इंटेंसिटी भी स्ट्रोंग होगी, तो उसका इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस भी स्ट्रोंग होगा। इट मीन्स यू आर गेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड्स वेरी क्लियर एंड एफिशिएंट। नेक्स्ट इज द सोर्स शुड बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, अगर आप सिंगल वेवलेंथ मतलब, ठीक है, अगर आप सिंगल वेवलेंथ सोर्स यूज नहीं कर रहे हो, अगर व्हाइट सोर्स यूज कर रहे हो तो व्हाइट क्या हो जाएगा, व्हाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेवन मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, सेवन कलर से बनी हुई थी। अगर सेवन कलर हो गए तो हर एक कलर का अपना क्या होगा, हर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, और वही बात फिर हो जाएगी, जो आपके इंटरफेरेंस पैटर्न होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होने से आप ब्राइट और डार्क बैंड्स को नहीं देख सकते। तो क्या हो जाएगा, आपका सोर्स क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, यू ऑल नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इफ एक्स इज द पाथ डिफरेंस देन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस एक्स। ओके,